हाँ जी गाइस, क्या हाल है? वापिस आ गए नया टॉपिक लेके। पूरा दिन का शेड्यूल पता चलेगा आपको। बाकी टॉपिक ये है बच्चों का कि जो नेचुरल है और जो इनहेंस है। जी गाइस, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। फिर आ गया हूँ आपके बीच में कुछ नया लेके। धीरे धीरे बॉडी में जान ही रहती, 0 काफ पे चल रहा हूँ, बिल्कुल जान नहीं रहते बॉडी में। वैसे होता कि बस किसी तरह चलानी पड़ रही है। और मैंने ब्लॉग बनाने भी स्टार्ट करे हैं इस फेस पे, पर किसी तरह मैं लगा हूँ। बाकी गिव अप नहीं करेंगे, बेस्ट टू बेस्ट देंगे, देखें आगे का दिन कैसे रहेगा। मैं भाइयों को यही बोलना चाहता हूँ, कुछ भी आपको अच्छा लगे या कुछ ना अच्छा लगे या नहीं समझ आए तो मुझे बताओ, ताकि मैं उसको चेंज कर सकूँ और अपना बेस्ट दे सकूँ। हाँ जी गाइस, क्या हाल है? ये फर्स्ट मील ऑफ द डे है, वही वाइट। कई दिनों से एक जैसी डाइट खा रहा हूँ, वाइट एग्स हैं और मेरी मिंट स्वाद के लिए खाता हूँ मैं बिल्कुल ये सिर्फ। और गाइज, अगर आपको इसके कुछ लेना है तो आप 100-150 ग्राम पनीर, मैं ये नहीं कहूँगा सुबह सुबह, मैं तो 0 काफ डाइट पे चल रहा हूँ इसलिए सुबह सुबह भी नहीं खाता हूँ। अगर आप खाना चाहते हो तो पीनट बटर ब्रेड ले सकते हो, वो लगा के खा सकते हो, साथ में 3 से 4 अंडे कर सकते हो। मैं अपना प्रोटीन क्वान्टिटी पूरा करने के लिए 12 अंडे खाता हूँ। जो नॉर्मल लड़का है, बच्चा है, बिगनर है या कोई भी है, वो सुबह ओट मील ले सकता है या फिर ले सकता है अपनी पहली डाइट में पीनट बटर और तुम्हारा ब्राउन ब्रेड हो गए और साथ में 3-4 अंडे। अगर दूध अभी ठंड है तो खरम दूध का गिलास भी ले सकता है। ये बेस्ट एक्सरसाइज है उसका ब्रेकफास्ट किसी के लिए भी, चाहे वो प्रेप पे हो जो गेन कर रहा है, चाहे वो बिगनर हो स्कूल ही जा रहा है, दोनों के लिए बेस्ट एक्सरसाइज बताइए मैंने दोनों के लिए बेस्ट सॉरी थोड़ा गलती हो गई दोनों के लिए बेस्ट बताइए डाइट। हाँ जी गाइस, क्या हाल है? ये मेरी सेकंड मील ऑफ द डे है। बाकी मैंने आज इंस्टा मेरा चेक करना, इंस्टा पे वीडियो डाली है सुधा नितेश के नाम से, इंस्टा उसमें डाली है कि किस हिसाब से मैंने अपने डाइट काट के रखनी पड़ती है और कितना टाइम लगता है। तो बंदे सोचते हैं ना कि इंजेक्शन लगा लिए या फिर सब डब्बे खा लिए तो बॉडी बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। 6-6 महीने जब एक जैसी डाइट खाना पड़ती है ना, धरती निकल जाती है नीचे से, पता चलेगा आपको। बाकी मील खाता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ आज पूरे दिन का शेड्यूल कैसा रहेगा। जो ऑन साइकिल है, देखो जो ऑन साइकिल सिर्फ अपनी फिटनेस अपना फोटो शूट करवाने के लिए, मैं उनको बॉडी बिल्डर नहीं मानता, या जिनको सिर्फ 3 महीने के लिए एब्स चाहिए। बॉडी बिल्डर वो है जो सालों साल एक ही उसमें रहता है, जिसको पता है कि मेरा गोल ये है। देखो आजकल जो नेचुरल है ना, वो बॉडी बिल्डर वैसे बदनाम कर रहे हैं, इसने इंजेक्शन भोग रखे हैं, इसने डब्बे खा रखे हैं। मेरे भाई पैसा लगता है इन सब चीज़ों में, घर चला जाता है। सच्चाई बता रहा हूँ, आप 10 बंदों के बीच में एक बंदा बैठ के दिखना आसान बात नहीं है कि आप 10 बंदे बैठे। और आप कहीं भी मेट्रो में जाओगे ना, कहीं बस में सफर करोगे, आप अलग दिख रहे हो, तो आपने मेहनत कर रखी है। इंजेक्शन तो अंबानी का लड़का भी ले सकता है, वो क्यों पतला नहीं हो जाता। तो मेरे भाई ब्लॉग यही रहेगा आज का, ये जो हम टॉपिक उठा रहे हैं वो यही है कि दोनों को अलग करना बंद कर दो। देखो नेचुरल अपनी पावर लगाता है, इनहेंस अलग अपनी लगाता है। इनहेंस फालतू इसलिए लगाता है, उसको पता है कि मेरा इसमें पैसा लग रहा है, मेरा इसमें टाइम लग रहा है, और मेरा जो मेडल सबसे बड़ी बात है वो लड़का मेडल के लिए है। इसका 6 महीने बाद गेम है, तो 6 महीने एक जैसे ही खाएगा। अब किसी के घर में शादी हो, किसी घर में फंक्शन हो, चाहे सुख हो दुख हो, वो बंदा अपनी ओन साइकिल है तो एक जैसी डाइट की। कोई बंदे को अगर 1-3 दिन टाइम का खाना एक जैसा मिलता है ना, वो रोने लग जाता है। वो बंदा सब कुछ होते हुए भी एक टाइम 6-6 महीने 5-6 महीने 1 मिनट जैसे टाइम खाता है, खाना खाता है। वीडियो को ना लंबी करते हुए एंड इधर ही करेंगे, बस फर्क मैं आया हूँ इसलिए हूँ। देखो नेचुरल अभी अपना भाई है, मेरे जो स्टूडेंट्स है नेचुरल है, और जो इनहेंस है वो भी अपने भाई हैं। बोलना यही चाहता हूँ वीडियो के एंड में कि अलग मत करो। जिसको भी जानना है ना कि बंदा कि इनकी लाइफ स्टाइल क्या है, एक बार नेचुरल के साथ रह के देखो, एक बार इनहेंस के साथ रहोगे चक्कर खा के गिर जाओगे। बंदा होता है बंदा जैसे अंदर जेल में होता है ना कि इस टाइम पे मिलेगा इस टाइम, तो सेम बाहर की दुनिया ऐसी है कि सेम अगर आपको 2:30 बजे मील खानी है, कहीं भी हो, शादी से भूखे वापस आना पड़ेगा, घर आके खाना पड़ेगा, वहां पे जाके नेंद्रा डाल के वापस आ जाओगे। शुद्ध और इसलिए नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि मेरे भाई सारे समझ पाए। फर्क मत करो, रहना है तो उनके साथ एक दिन रह के रखो, फर्क समझ आ जाएगा। थैंक यू। हाँ जी गाइस, क्या हाल है? आज मैंने शोल्डर की वर्कआउट करी थी। अब मैं वो शोर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज ना क्राउड बहुत था जिम में, शाम के टाइम था, थोड़ा लेट हो गए थे, कार्डियो भी करना था, तो मुझे लगा कि मैं शोल्डर की वर्कआउट आपको ना बाद में बता दूंगा मैंने क्या करी है। मैं मेरे 5 से 6 एक्सरसाइज करी थी, मैं कटिंग फेज पे चल रहा हूँ ना, रेपिटेशन थोड़ी अलग वर्कआउट होती है, तो मेरी जैसी हर कोई वर्कआउट नहीं करेगा ना, तो मैंने इसलिए सोचा कि आपको मैं बाद में बता दूंगा। जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ शोल्डर की, 5 से 6 वर्कआउट करी थी मैंने, डंबल प्रेस लगा रहा हूँ, इसके मैंने 4 सेट लगाए थे। वेट आप अपने कोडिंग में रखना। सेकंड एक्सरसाइज है फ्रंट रेज, फ्रंट रेज के मैंने 12 से 15 रेपिटेशन लगाए थे और वेट अपने अकॉर्डिंग रखा था।
मेरा बोलने का मोटिव यही है कि आप जितना वेट मार पाए ना अपने अकॉर्डिंगली वेरिएशन देखो, उसमें आपको अलग अलग वेरिएशन देखने को मिल रही होगी। मैंने एक ही साथ तीन अलग अलग वेरिएशन मार दी, फ्रंट रेज एक्सरसाइज है इसमें, एक साथ फ्रंट रेज भी लगा दी, डबल हंड्रेड भी लगा दूंगा, तीनों लगा दूंगा मैं। बाकी एक्सरसाइज के मैं आपको नाम बता देता हूँ जो मैंने लगाई, जो मैं इसमें नहीं दिखवा पाया, वो फर्स्ट एक्सरसाइज थी शोल्डर प्रेस में तुम्हारी डंबल प्रेस, फिर आर्नोल प्रेस, फिर साइड रेज, फिर फ्रंट रेज, एक मैंने लगाई थी साइड रेज आ गई आपकी, मूवमेंट देख लो कैसे कर, ये साइड रेज देख रहे हो, मूवमेंट देख लो कैसे मार रहे। बाकी पहले की दो तीन लोगों में आपको शोल्डर की दिखा चुका हूँ क्या वर्कआउट करनी है। बाकी गाइस आप मेरे से जितना पूछोगे ना कि ये नेक्स्ट वर्कआउट ये दिखाओ या वेरिएशन दिखाओ, आगे आपको व्लॉग में डेली आपको व्लॉग में अलग अलग देखने को मिलेगा। अब मैं ना अपने स्टूडेंट्स के साथ वर्कआउट कर रहा हूँ, उनको समझाता हूँ, उनको जो दिक्कत होती है वो मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूँ ताकि कोई मेरा बिगिनर अच्छे से कर पाए। जी गाइस क्या हाल है, आज शादी में भी जाना है, एक मेरे स्टूडेंट है उसकी सिस्टर की शादी है, बाकी मैं कपड़े को बनाया नहीं था तो स्टूडेंट आते हैं मसूर देगा लाने के लिए, मुझे कपड़े लाते थे मैंने कुछ चल रहा शादी में खाएंगे कुछ नहीं पर लड़की की बहन की शादी तो होता है बाकी। गाइस मैं ज़्यादा देर तो नहीं जा पाया, 10-15 मिनट हो गया है, सारे मेरे स्टूडेंट ही आपको देखने को मिल रहे हैं ना। हाँ जी गाइस निकल गए हैं, 10-15 मिनट रुकना था, नैंतरा डालना जरूरी था, लड़की की शादी है, बाकी मिलते हैं आपको जिम चल के, जिम जाके कपड़े चेंज करने फिर घर भी जाना है, मिलते हैं। फ्रेंड्स मेरा ना यहाँ से जिम मुश्किल से मुश्किल 1.5 किलोमीटर होगा, पर जाम दिल्ली का जाम है ना यहाँ पे, ये रेड लाइट ही क्रॉस नहीं हो रही, कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए हैं। हम सोच रहे थे जितनी जल्दी घर जाऊँगा, जितनी जल्दी यहाँ से जाऊँगा जिम, फिर उसके बाद घर जाऊँगा, यहाँ कम से कम 15-20 मिनट एक ही जगह, एक गाड़ी ऐसे खिसक रही है जैसे चींटी की चाल नहीं चलता कोई। गाइज लास्ट मील ऑफ द डे है, आज इतना बड़ा व्लॉग नहीं बना पाया पर थोड़ा 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 आज मेरे साथ में बच्चों के साथ मैंने शॉर्ट्स बनाया जिम में, कुछ नॉलेज के लिए उसमें इनहेंस का आएगा और नेचुरल का, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये लास्ट मील है। बाकी आज शादी में जा रखा था, वहाँ जाके बिना खाए पिए वापस आया, अब 12 बजे आके घर आखिरी मील ले रहा हूँ, फिर सुबह वही 6 बजे का शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ये व्लॉग आपको डेली मिलेगा, पूरे दिन का दिखाएंगे कैसे क्या क्या किया, बस यही चाहता हूँ कि अपने छोटे भाई को सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा बंदे पेज सब्सक्राइब करो। थैंक यू।